उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें, नारसन मंगलौर तक वाहनों की स्पीड काफी अधिक होने के चलते पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए पुलिस अब स्पीड वाले वाहनों पर भी नजर रखेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर जो कैमरे खराब पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द सही किया जाए। देखिए, कल ही एसएसपी सर के द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान चार धाम यात्रा को लेकर सभी एडिशनल एसपीज और सीओज, इंस्पेक्टर और एसओ साहेबान को, टीआई साहेबान को, सबको निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूरे चार धाम यात्रा के दौरान, चूंकि ये राज्य का प्रवेश द्वार है नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, इसलिए ऐसी जगहों पर कहीं भी जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित कराना संबंधित यातायात निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व है। दूसरी चीज, इस पूरे यात्रा मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार से आने वाले यात्रियों, अतिथियों के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी ना हो, कोई बदइंतजामी की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित भी करना हमारा दायित्व है। इसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन, उनके साथ मीटिंग भी की गई और उनको, उनसे ये अपेक्षा की गई, उनसे यह अपील की गई कि वे अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं और साथ ही रेट चार्ट, रेट लिस्ट का डिस्प्ले अवश्य करें, ताकि किसी भी विक्रय की जाने वाली वस्तु के दर को लेकर कोई मतभेद या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने।